तो बच्चों यहाँ पर एक मेरे पास एक क्वेश्चन है फिर से सर्कुलर मोशन का, जो कि इस प्रकार है। इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इफ़ द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पार्टिकल का स्पीड कितना है तो वह है 2 मीटर पर सेकेंड, एंड रेडियस ऑफ सर्कल इज 2 मीटर, देन वैल्यू ऑफ सेंट्रिपिटल एंड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आर रिस्पेक्टिवली। यानी कि एक क्वेश्चन, वो यानी कि एक पार्टिकल है और वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब बात सबसे पहले बात ये आती है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होता क्या है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहाँ पर कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड जो होती है बच्चों वो कॉन्स्टेंट होती है। स्पीड क्या होती है तो वो होती है कॉन्स्टेंट, ठीक है। अच्छा, और इस सर्कुलर पाथ की रेडियस दी हुई है यहाँ पर 2 मीटर, और ये इसकी स्पीड दी हुई है कितना, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और आपसे सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पूछता है। तो एक बात आती है यहाँ पर कि जब पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है तो उसमें कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो होगा ही नहीं, यानी कि ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, ये 0 होना चाहिए। क्योंकि जब पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा, क्या करेगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तब उसके पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आता है, नहीं तो फिर उसके पास में सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ही रहेगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। कब, जब वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करेगा तब। तो अब हम इसमें देखते हैं, सबसे पहले ऑप्शन, इसमें आप ऑप्शन से अगर आप चेक करें तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिया हुआ है, यहाँ भी सेंट्रीपिटल, यहाँ भी टेंजेंशियल, यहाँ भी सेंट्रीपिटल, यहाँ भी टेंजेंशियल, यहाँ भी सेंट्रीपिटल, बट यहाँ टेंजेंशियल यहाँ पर 0 है। तो हमें एक क्वेश्चन ऑप्शन से ही सॉल्व हो गया, कैसे, तो क्योंकि हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। अगर यही ए पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा होता तब इसके पास कुछ ना कुछ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता, लेकिन ये पार्टिकल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है इसके पास में टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0 होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू 0 दिया है और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, तो ए सी बराबर होता है भैया वी स्क्वायर अपॉन आर, और वी की वैल्यू कितनी है तो 2, जब 2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4, और आर की वैल्यू कितनी है, रेडियस 2 मीटर, तो नीचे में लिख दिया 2, 2 से 2 मर गया, कितना बच गया 2, यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आ गया, लेकिन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट।